बहुत पावरफुल होता है सभी सब, इनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। ज्यादा तेज तरह सिंघम बनिएगा ना, भेज देगा कुत्ता खिलाने। उत्तर प्रदेश में एक डीएम एसपी 2005 में किसी कार्यकर्ता को मार दिया था लोग 2-3 लाठी। 2023 में उन लोग को वापस बुला के माफी मंगवाया लोग, एक दिन के लिए जेल की सजा सुना दिया इन लोगों। अब बताइए दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन? कितने लोग कहते हैं विधायिका पावरफुल, कितने लोग कहते हैं कार्यपालिका पावरफुल, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सब इसमें नीचे करिए, ये पावरफुल ज्यादा। संविधान की प्रस्तावना पढ़िए, अरे गदा तुक्का मार दिया है तुम लोग, सुनिए ध्यान से। संविधान की प्रस्तावना का पहला लाइन पढ़िए, हम भारत के लोग, यानी संविधान की शक्ति किसके पास है? भारत। और हम भारत के लोगों ने ही चुन के भेजा है एमपी एमएलए, अतः ज्यादे पावरफुल ये। दीज आर इलेक्टेड एंड दीज आर सेलेक्टेड, सेलेक्टेड के पास पावर नहीं है। यही रीजन है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्या कोई सांसद विधायक इनके प्रति उत्तरदायी है? मजाल क्या, कोई एगो डीएम साहब तक जाके पूछ दे, विधायक जी आप काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, कहेगा कि तुम अपना पावर दिखाओ वर्दी का, हम कुर्ता का पावर दिखाते हैं। तुरंत ऊर्जा कुर्ता जाएगा, 10 कार्यकर्ता को ले आएगा, एगो बैनर साटेगा मुर्दाबाद मुर्दाबाद 4 करेगा यहाँ पर, हाँ नीचवा बैठ जाएगा यहाँ पे, पलत्थी मार के बैठ जाएगा यहाँ पे, 200 रुपया में कार्यकर्ता को लाएगा, गाड़ी में पेट्रोल भरवाएगा, लिट्टी चोखा खिलाएगा, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। प्रधान सचिव का फोन आएगा, क्योंकि आप डीएम है और ऊपर कौन है? प्रधान सचिव। क्या हो रहा है साहब, घुसिया रहे हैं साहब, मतलब समझ रहे हैं। सर क्या बोले इसको, वैसे लेके बैठ गया कार्यकर्ता, सबको जाइए नहीं रहा है तो बेचारा माफी उफी मांगता चल जाइए यहाँ पर। अरे बहुत पावर, इन सब माफी मांगना पड़ता है। अरे देखिए अधिकारी सबका सबसे बड़ा टेंशन क्या है पता है? अगर किसी अधिकारी के ऊपर प्रेसिडिंग चल जाएगा ना, कोई लिटिगेशन लग जाएगा करप्शन का, तो उसका प्रमोशन रुक जाता है। अब आप कुछ कीजिएगा लगा देगा आपके ऊपर, आप जनता का जरूरत है, अपने कार्यकर्ता को भेज देगा, आपसे लड़ जाएगा, कह देगा कि आप बदतमीजी से बात की है, जा प्रेसिडिंग अटक गया, आपके आपके बैच वाला कमिश्नर बन गया, आप डीएम रह गए, आप पूछिए फोन करके सर क्या आदेश है। एक ये बड़ा दिक्कत आता है। दूसरा कुछ ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जहां पे आप फेमस हो सकते हैं काम करके, और कुछ ऐसा डिपार्टमेंट होता है जहां कोनो कमोए नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं? वहीं भेज देगा आपको, डिपार्टमेंटे दे देगा आपको, समझ में आ गया कि नहीं? दे देगा आपको समाज कल्याण विभाग के तहत पागलखाना का इंचार्ज बना देगा, यूपीएससी निकाल के पागलखाना के इंचार्ज बन के बैठ लगे यहाँ पे, दे देगा आपको कुछ विभाग उसी के पास न रहता है। तो ये बहुत पावरफुल होता है सभी सब, इनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। रीजन क्या है? कानून इन्हीं को बनाना है, यही कानून बना लिया सर कि हम यूपीएससी वालों से ऊपर है। कानून इन लोग का बहुत तगड़ा होता है, तो मेन रीजन यही है, वरना ऐसा थोड़ी है कि उसका आप कुछ कर सकते हैं। मेन रीजन यही है कि हर इंसान चाहता है प्रमोशन होना, डाल देगा संटिंग में चल जाइएगा आराम से चुपचाप यहाँ पे, ज्यादा तेज तरह सिंघम बनिएगा ना, भेज देगा कुत्ता खिलाने। चल जाइए वहाँ एयरपोर्ट पे भेज देगा, जाइए एयरपोर्ट पे टिकट चेक करते हैं, आधार कार्ड मैच नहीं कर रहा है, तो केकरा मैच करता है फोटो से? तो बताइए पावरफुल कौन? विधायक। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ये लोग इनसे सवाल पूछ सकते हैं, ये कभी नहीं सवाल पूछ सकते, समझ में आ गया कि नहीं? उत्तर प्रदेश में एक डीएम एसपी 2005 में किसी कार्यकर्ता को मार दिया था लोग 2-3 लाठी। 2023 में उन लोग को वापस बुला के माफी मंगवाया लोग, आप देखिएगा ना यूट्यूब पे, माफी मांगा है लोग, एक दिन के लिए जेल की सजा सुना दिया इन लोगों ने, एक दिन का जेल, एक दिन मतलब ज्यादा सांकेतिक जेल, एक दिन का। वो क्या बताता है कि कार्यपालिका के ऊपर कौन है? विधायक। अच्छा राष्ट्रपति ज्यादा टिंग टांग करेंगे तो महाभियोग लगा देगा यहाँ पे, जाइए यहाँ पे संटिंग में, आप परमानेंट संटिंग में डाल देगा यहाँ, समझ में आ गया कि नहीं? इनका ये क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पावरफुल कौन है? विधायक। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने चुन के भेजा है, समझ में आ गया कि नहीं? तो हमें चुनाव सुधारना पड़ेगा, और ये कब सुधरेगा? जब आप वार्ड मेंबर से सुधारना चालू करेंगे तब। आप गलती क्या करते हैं, सीधे प्रधानमंत्री और राष्ट्र मुख्यमंत्री से उम्मीद करते हैं, अरे वो आपको जानता भी नहीं है कि आप उसी के राज्य के हैं कि नहीं है। उसको क्या पता, आप जाके कहेंगे महाराज हम आप ही के राज्य के हैं, तो कहाँ पे जिला पूछेगा आप, जैसे जिला पूछेगा तो हमारे कार्यकर्ता आपकी समस्या दूर करेंगे, जाइए कार्यकर्ता के पास। ज्यादा पावरफुल कौन होता है?
ये तो भाई काम कर देंगे, जैसे उधर से आदेश आएगा वैसे ये लोग काम करेंगे, आदेश नहीं आएगा काम नहीं करेंगे।